अभी अगर बात करें सर, मतलब एक इनकम के तौर पे देखा जाए देसी मुर्गी पालन, जी जी, तो क्या आपका डे वन का सर बचत हो रहा है और कितना लागत आ रहा है सर इनको खिलाने में? अभी तो लागत पर डे हमारा मानिए 2700 रुपये 2600 रुपये कुंटल पड़ जाता है फेज वन जी। रेट का वेरिएशन होता रहता है ऊपर नीचे, तो एक कुंटल दाना का खर्च है प्लस 200-300 रुपया एक्स्ट्रा मान लीजिए, और सब 3000 रुपया पर डे मेरा खर्च इसमें है। ओके ओके। और अभी 3000+ मेरा अभी दे रहा है, 4000 रुपया अभी दे रहा है, 1000 रुपया बच रहा है अभी, 1000 रुपया बच रहा है इतने पर डे अभी। लेकिन ये अभी अंडा जाएगा मेरा 650 तक। अभी अंडा जो अभी निकलना चालू हो गया है जी, इसके ऊपर भी जाएगा, 600 जाएगा मेरा अंडा। हमारे मुर्गी का थोड़ा सेहत बहुत मेंटेनेंस किया गया है, तो इसके रख रखाव दवा हुआ जो भी होता है इसके खर्च मेंटेनेंस में थोड़ा खर्चा किया गया है। ओके। तो 6 महीने में पीक आ जाएगा, पीक आ जाएगा, तो पीक 6 महीने में पीक आ जाएगा, तो ये 70% अंडा देगा 6 महीने। 70% अंडा आएगा तो अपना जाहिर सी बात है कि अपना इनकम भी, तो ये पर डे 3500 रुपया पर डे देते, पर डे का 3500 आराम से, दाना के अलावा बचेगा 3500 आराम से आएगा, मिनिमम बता रहे हैं आप, मिनिमम जी। ओके दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग एडेज के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आए हुए हैं बिहार में ही मोतिहारी ज़िला, यहाँ पे देसी मुर्गी का पालन हो रहा है और जो देसी मुर्गी पालक हैं वो इंजीनियर है और इंजीनियरिंग के बावजूद एक मतलब पैसन कहा जाए या जो भी मुर्गी पालन में है, इनका और भी साइड बिजनेस है और साइड बिजनेस में ही एक मुर्गी पालन भी चला रहे हैं। तो आइए एक अनुभव एक लिया जाए इनसे और जानकारी भी लेते हैं इनसे कैसे मुर्गी पालन कर रहे हैं, क्या इसमें बेनिफिट है। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है। थोड़ा सा आप अपने विजिट कराइए अपने फार्म पे, हमारे व्यूवर्स को दिखाइए थोड़ा सा आपकी मुर्गी, हम देख रहे हैं यहाँ पे देसी पोल्ट्री आप कर रहे हैं जी जी, थोड़ा सा विजिट कराइए, आइए चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा दें, ये पूरा फ्री रेंज में यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है जी जी। और कितना बर्ड होगा सर यहाँ? लगभग 1000 बर्ड है, 1000 है, 1000 बर्ड है। ओके। और पूरा ये बर्ड जो देख रहे हैं सोनाली बर्ड अपने बिहार में जिसको देसी भी बोला जाता है, यही बर्ड अभी पालन कर रहे हैं, देसी सोनाली के नाम से जाना जाता है। ओके ओके। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक फार्मिंग एडवाइज में, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के लिए आप अपना एक छोटा सा परिचय देते हैं। मेरा नाम महताब आलम हुआ जी, मेरे गांव का नाम कुसमावा है, थाना ढाका, जिला पूर्वी चंपारण के अंतर्गत ये आता है। ओके। यहाँ पे हमारे घर के पीछे कुछ ज़मीन था, इसके पीछे हम एक ये बनवाए हुए हैं देसी मुर्गी फार्म। ओके ओके। एक पर्पज़ से यहाँ हम 1000 बर्ड डाले हुए हैं जी। ठीक है, सोनाली देसी इसको बोला जाता है। ओके। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आप अभी कौन कौन सा बिजनेस कर रहे हैं इसके अलावा? हम मैकेनिकल इंजीनियर है, 2017 में इंजीनियरिंग किए हुए हैं आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल से जी। और उसके बाद हम लोग कोयला का काम, चिमनी चलता है हमारा ईंटा वाला। ओके। उसके बाद कोयला का भी काम किए कर रहे हैं और साथ में साइड से इसको भी देखा जा रहा है पार्ट टाइम में, ऐसे मतलब एक इंटरेस्ट था आपका? हाँ, इंटरेस्ट था मुर्गी पालन। हाँ, तो कुछ किताब उताब पढ़ के, कुछ यूट्यूब पे देख दा के, इसको कुछ नॉलेज गेन करने के बाद इसमें हम उतरे और किए, ठीक ठाक है, सफल। आपने स्टार्टिंग 1000 बर्ड से किया? नहीं, 2000 बर्ड था हमारा। ओके। ठीक है, 2000 बर्ड था तो उसमें मेल और फीमेल आता है जी जी। तो 1000 लगभग मेल आया तो 50% आ गया था, तो उस मेल को निकाल दिए जी। जो फीमेल है कुछ उसके साथ मेल छोड़ा जाता है। ओके ओके। जो ईग दे तो उसको मेल और फीमेल दोनों मिला के रखा गया हुआ, थोड़ा सा फीमेल है, 10% के लगभग मेल है इसमें, बाकी 90%। तो अभी आप अंडे के पर्पज़ से मुर्गी पालन कर रहे हैं? जी जी, अंडे के पर्पज़ से कर रहे हैं। अंडे की मार्केटिंग सर बात कीजिए बिहार में, तो आप कहाँ कहाँ कर रहे हैं लगभग? अंडे की मार्केटिंग तो ठंडा में कोई दिक्कत नहीं है, लोग आते हैं यहाँ से भी ले जाते हैं और होलसेलर लोग हैं वो 10 पेटी 20 पेटी इस तरह से पेटी पैक होता है। ओके। आप देखे भी हैं वहाँ पे सब रखा हुआ है जी जी, स्टोर होता है और होलसेलर के पास जाइए दे मतलब दीजिए। एक तरह से देखा जाए तो फार्म से ही सप्लाई होता है अंडे का, अंडे सेलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो अभी तक नहीं आया है जी, उस तरह कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये गर्मी के मौसम में इसका रेट ज़्यादा जाता है, ताकि हैचरी के इसे ये फर्टाइल ही होता है जी जी। ठीक है, फर्टाइल ईग होता है तो इसको हैचरी पर्पज से भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें बच्चा का हैचरी परसेंटेज ठीक ठाक आता है और इसका बच्चा सप्लाई होता है। ये जो बर्ड हो गया सर, कितना टाइम हो गया डाले हुए आपको? ये करीबन 10 अगस्त को डाला गया था बच्चा जी, और 5 महीना 12 दिन हुआ। 5 महीना 12 दिन हो गया। और अंडे की अगर बात करें तो अंडा कब से निकल रहा है आपका? 122 दिन का मेरा बच्चा हुआ था, उस दिन से मेरा पहला अंडा आ गया था।
यानी समथिंग 4 महीने पे आपका अंडा निकलना चालू हो गया था, स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट 50% तक पकड़ लिया हुआ है। ओके, अभी ये 70+ जाएगा, 70+ जाएगा। अभी जो आपका बर्ड पूरा जो देखा जाए लगभग 1000 तक जी बर्ड है जी, इसमें से अगर बात कीजिए मुर्गियों की, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? मुर्गी करीब तकरीबन मानिए ना 900 के है, करीब है 900 करीब में मुर्गी है। और 900 मुर्गियों से अभी पर डे अंडा का अगर बात करें तो कितना अभी कैपेसिटी निकल रहा है? 450 इस तरह जा रहा है अभी, 450 लगभग 50% अभी आपका अंडा आ रहा है, आ रहा है। ओके, अभी स्टार्टिंग है अंडा देने में जी जी, अभी आगे भी जाएगा, अभी जिसे शुरुआत करता है उसके 7वें महीने तक आने में ये पीक पकड़ता है, पीक पकड़ता है, इसका पीक टाइम जो आता है 7वें महीने में। लेकिन मेरा अर्थ रख रखाव हाई स्टैंडर्ड किया गया हुआ है, सब तरीके सब चीज़ दिया गया है। ओके, तो उम्मीद है कि 6ठे महीना पूरा होते होते जी जी पूरा पीक पे आ जाएगा, पीक पे आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास काफ़ी थोड़ा सा फ्री रेंज के लिए जगह भी है जी, आपने फर्स्ट टाइम में ही काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया है और मैनेजमेंट भी कर रहे हैं थोड़ा सा, तो ये फार्म का थोड़ा सा मैनेजमेंट बताना चाहे कैसे कर रहे हैं और कितने लोग इसको देख रेख कर रहे हैं? देख रेख करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, सुबह में शाम में हम खुद इसमें आ जाते हैं देख लेते हैं। ओके, बाकी छोटू है घर के बगल का है। अच्छा अच्छा, यही अपना देख रेख करता है, यही रहता है यहाँ पे, इसको देख रेख रखने में कोई परेशानी है नहीं। ओके, है नहीं ज़्यादा परेशानी है नहीं, खोल दीजिए बाहर निकलो घूमता है, और बहुत इम्यूनिटी पावर इसका बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, जल्दी इसका मोर्टिलिटी नहीं होता है जी। और अमूमन तौर पे दूसरा जो ब्रीड है FFG है RIR, इस सब का मोर्टिलिटी ज़्यादा होता है जी जी। और इसका हमको लगता है पूरे 1.5-2 महीने के अंतर्गत पूरा ठंडा निकल गया, एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरता है, एक भी नहीं मरा। ओके, आपने जब शुरू में डाला था वर्ड लगभग आज से 5 महीने पहले, तो आपने 2000 वर्ड डाला था, उसमें से आपने कुछ वर्ड आपने सेल भी किया, मुर्गी कितना आपने सेल किया था? लगभग 950-1000 करीब बर्ड सेल किया, सेल किया था। उसको कितना साइज करके और कहाँ पे सेल किए थे? सेल गांव से ही आगे लेके चले जाते हैं, गांव में ही लोग आते हैं वहीं से लेके चले जाते हैं, और कटर लोग आते हैं यहाँ से लेके जाते हैं, कहीं पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग को खबर हो जाता है, खबर कर दिए सब जगह, कटर जो भी देसी मुर्गी जो काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, खबर कीजिए उगा के ले जाएंगे आपको अच्छा रेट। कितना साइज करके आपने सेल किया? 1 किलो का साइज हुआ था, हम सेल करना स्टार्ट कर दिए। और क्या रेट? 75 दिन में मेरा 1 किलो साइज आ गया था, 75 दिन में आपका 1 kg साइज आ गया था, साइज पकड़ लिया था। ठीक है, और क्या रेट सेल किए थे उस समय? मानिए 300 रुपये किलो स्टार्ट किए थे जी। ठीक है, और 300 किलो से थोड़ा सा ऊपर भी गया रेट। ओके, और मेरा जब मतलब सेल करते करते 1 महीना टाइम लगा हमको जी, तो मेरा मुर्गा का वेट 1.5 किलो हो गया था, एक मतलब 90 डेज 100 डेज पुरते पुरते मेरे मुर्गे का रेट, मुर्गा का वेट जो है जी 1.5 kg हो गया था। अच्छा अच्छा, और मुर्गी का वेट kg+ था, kg+ था। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने फार्म से ही सेलिंग कर दिया सब यहीं से? अभी आप अंडा भी लोकल में ही सेल कर रहे हैं और होलसेलर को फार्म से ही सेल कर रहे हैं? सब फार्म से ही सेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका लोकल मार्केट भी एक अच्छा खासा मार्केट है, मार्केट आपका लोकल में भी बढ़िया सेल हो जा रहा है। मार्केट का क्या है, क्या यहाँ फार्म खुलता है ऑटोमेटिक लोग जान जाता है कि यहाँ फार्म है, देसी मुर्गी अंडा का फार्म है, लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, खुद अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं यहाँ देखते हैं, अच्छा लगता है लोगों को, ले आते हैं यहाँ से। ओके, तो अभी पर डे जो आपका है मतलब 400-450 अंडा आ रहा है जी, और आप सेलिंग भी कर रहे हैं जी, अभी आप क्या रेट सेलिंग कर रहे हैं? अभी मेरा 12 रुपये अंडा जा रहा है। ठीक है, 12 रुपये अंडा जा रहा है अभी, ठंडा में तो 12 रुपये+ ही गया है जी, और ठंडा के बाद थोड़ा अभी रेट का ऊपर नीचे हुआ है, तो ये 1-2 रुपये नीचे ऊपर होता है, ज़्यादा इसका मिनिमम 10 रुपये से कम इसका रेट नहीं जाता है। ओके, मतलब 10 रुपये+ ही बेचते हैं? 10 रुपये+ ही जाएगा, हम बेचते हैं तो अभी 10 रुपये+ ही बेचे हैं जी, और 10 से कम इसका रेट नहीं आता है, हैचरी पर्पज से भी जाएगा तो 10+ ही जाएगा। ओके ओके, अभी आपके सामने एक हैचरी वाले आते हैं जी जी जी, अभी बोले हैं कल से मेरा अंडा स्टोर कर दिया, कल हम लेके जाएंगे अंडा उनको। अभी आप जो लोकल में सेल कर रहे हैं तो लोकल में ही आपके गाँव के भी लोग आकर ले जाते होंगे? गाँव के भी लोग ले जाते हैं। लोकल में क्या रेट दे रहे हैं और होलसेलर को क्या रेट दे रहे हैं अभी? लोकल में तो 12 रुपये जाता है, 1-2 अंडा मतलब 1-2 ट्रे तो 12 रुपये जाना है। अभी बात कीजिए दाने में, तो दाने में इनको कौन सा दाना दे रहे हैं अभी? दाने में अभी फेज 1 दे रहे हैं, फेज 1 दे रहे हैं, लेयर फेज 1 दे रहे हैं। ओके, दाने के सिवा भी और कुछ हरा चारा इनको दिया? हरा चारा भी दिया जाता है, घास वास अगर आ गया तो घास वास, अभी तो घास नहीं आ रहा तो अभी हरा सब्जी दे रहे हैं इसको, बंधा गोभी, गोभी, कद्दू, लौकी, कोई भी सब्जी। ओके, ठीक है, आप इसको दे सकते, टमाटर वमाटर कुछ भी, कैल्शियम उसे, विटामिन सी उसे होता है, मिल जाता है, तो और विटामिन भी मिलता है सब में, उस सब में से अच्छा विटामिन मल्टी विटामिन समझिए काम कर जाता है वो। ओके, तो सब दिया जाता है उसमें, दे देते हैं सब दिया जाता है, पर डे दिया जाता है। अभी बात कीजिए पर डे 1000 बर्ड पे कितना दाना का खपत हो रहा है आपका?
अभी तो पहले तो 50 ग्राम पर डे खर्चा होता था जी, अभी जब अंडे पे आ गई है अंडे तक आने में तो अब 100 ग्राम पर डे थोड़ा सा दाना देना भी जरूरी होता है जब अंडे पे है दीजिएगा तब ना आपका परसेंटेज बढ़ेगा। ओके, परसेंटेज अब दाना बढ़ा दिए तो परसेंटेज बढ़ाना स्टार्ट कर दिया बाकी पोसने में इसको 50 से 60 ग्राम खर्चा आता है, 50 से 60 ग्राम बहुत है पर डे के लिए गोश्त पर्पज से। अब अंडे पे आ गई तो उसका तो भाई उसका जो एनर्जी लॉस होगा उसका एनर्जी बना के एनर्जी तो एनर्जी बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा। तो आपका बर्ड हम एक चीज देख रहे हैं कि हेल्दी बहुत है जी, ग्रोथ में 5 महीने का बच्चा मतलब अच्छा खासा एक हेल्दी वेट इसका आ चुका है। तो अभी बात कीजिए पर बर्ड एवरेज इनका क्या वेट आ चुका है? मेरे मुर्गी का वेट 1.5 किलो प्लस है, 1.5 किलो के आसपास मानिए, प्लस नहीं आसपास मानिए 1.5 kg लगभग ले सकते हैं। मुर्गा मेरा जो है 2 kg प्लस मेरा मुर्गा है, 1.5 किलो के आसपास हमारी मुर्गी है। मुर्गी है जी। अभी अगर बात करिए सर मतलब एक इनकम के तौर पे देखा जाए देसी मुर्गी पालन जी जी, तो क्या आपका डे वन का सर बचत हो रहा है और कितना लागत आ रहा है सर इनको खिलाने में? अभी तो लागत पर डे हमारा मानिए 2700 रुपये 2600 रुपये कुंटल पड़ जाता है फेज वन जी, रेट का वेरिएशन होता रहता है ऊपर नीचे। तो एक कुंटल दाना का खर्च है प्लस 200-300 रुपये एक्स्ट्रा मान लीजिए और सब 3000 रुपये पर डे मेरा खर्च इसमें है। ओके ओके। और अभी 3000 प्लस मेरा अभी दे रहा है, 4000 रुपये अभी दे रहा है, 1000 रुपये बच रहा है अभी, 1000 रुपये बच रहा है इतने पर डे अभी। लेकिन ये अभी अंडा जाएगा मेरा 650 अभी अंडा जो अभी निकलना चालू हो गया है जी, इसके ऊपर भी जाएगा 600 जाएगा मेरा अंडा। आप बता रहे कि 70% तक ये अंडा आएगा और 70% अंडा आने में कितना टाइम तक लग जाएगा इसका? अमूमन तो 6.5-7 महीना लग जाता है इसका पीक पॉइंट आने में, पीक टाइम आने में। ओके, लेकिन पीक टाइम हमारे मुर्गी का थोड़ा सेहत बहुत मेंटेनेंस किया गया है तो इसका रख रखाव दवा हुआ जो भी होता है इसके हर मेंटेनेंस में थोड़ा खर्चा किया गया है। ओके, तो 6 महीने में पीक आ जाएगा, पीक आ जाएगा तो पीक 6 महीने में पीक आ जाएगा तो ये 70% अंडा देगा 6 महीने। 70% अंडा आएगा तो अपना जाहिर सी बात है कि अपना इनकम भी तो ये पर डे 3,350 रुपये पर डे बिकेगा, पर डे का 3,350 आराम से, दाना के अलावा बचेगा 3,350 आराम से आएगा मिनिमम बता रहे हैं आप? मिनिमम जी। ओके सर, आपका जो हम फार्म देख रहे हैं कि मतलब ये मुर्गी पालन फार्म की तरह नहीं दिख रहा है जी, तो थोड़ा सा बताना चाहिए आप इसको कन्वर्ट किए हैं मुर्गी पालन फार्म में? पहले से मेरा ये वाला जो घर है इसे बना हुआ था ठीक है, तो इसको मैंने जाली वाली डलवा दिए और ये वाला फार्म जो आप दिखाइए इधर ये वाला जो फार्म है जी जी, ये हम बनवाए स्पेशल मुर्गी के लिए दोनों मिला के, ये स्पेशल मुर्गी के लिए बनाया। और आपका हम फार्म देख रहे हैं कि आप सारी मुर्गियों को अलग अलग पार्टिसिपेशन करके रख रहे हैं जी जी, तो सब बताना चाहें अलग रखने में क्या बेनिफिट है इनको? अलग रखने में ही बेनिफिट है कि पार्टीशन है तो कोई मतलब कोई दिख जाए कि थोड़ा उदास है या किसी को छाक छीक है या कोई थोड़ा बीमार टाइप का दिखने में लगे फार्म पर जाइए विजिट कीजिए, जब मुर्गी लगता है कि आपको या मुर्गा कोई थोड़ा उदास दिखता है तो उसको उठा के देखिए पकड़िए उसको देखते हैं तो उसको अलग कंडीशन में डाल लेते हैं, उसको अलग दवा दाना दिया जाता है 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है 2 से 3 दिन में ठीक हो गया फिर उसको डाल दीजिए इसमें पार्टीशन रखने का ये फायदा। बात करिए अंडे के लिए, तो अंडे के लिए आप दाने के सिवाय स्पेशल और क्या दे रहे हैं जिससे अंडा आपका अच्छा निकले और किसान भी क्या दे सकते हैं? अंडा के लिए तो खैर आप जो ऑर्गेनिक जो सब्जी उब्जी दीजिएगा तो वो है ही है जी, उसके अलावा मेडिसिन अगर आप देना चाहते हैं जिसे हम देते हैं एक कैल्सी प्लस है, कैल्शियम है इसमें, इसका कंपोजिशन आता है ऑस्टोबेट भी आता है ठीक है, और इसमें आप 1 लीटर में 60 ml आप मल्टी विटामिन विमराल या मल्टी स्टार उसमें मिला के देना पड़ेगा आपको। ओके, ये पानी के साथ हम दे सकते हैं? पानी के साथ मिला के दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग में दे दीजिए जी। और प्रोडक्शन को आपको आगे बढ़ाना है, प्रोडक्शन आपका नहीं बढ़ रहा आगे जी, उसके लिए ये दवा है ठीक है, अमीगोडाल ठीक है। ओके, ये दवा है, ये चलाइए आप महीने में 10 दिन चला दीजिए 8 दिन चला दीजिए कंटिन्यू जी, पूरा आपका अंडा पिकअप हो जाएगा। अभी हम चला रहे हैं अच्छा राज कर रहा डेली अंडा 30-40 अंडा बढ़ी जा रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब इसका आए थी रिजल्ट सही है? अच्छा, इसका हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकल में इसका आ रहा है ठीक है। ओके, आप एक इंजीनियर हैं और आपका चिमनी का कोयले का भी काम है, बड़ा बड़ा काम है जी, और आपने एक पार्ट टाइम में किया हुआ है देसी मुर्गी का जी, तो आपके अनुभव से ये बिजनेस कैसा है और आगे इसमें फ्यूचर में आप क्या देखते हैं इसको? इसमें फ्यूचर का क्या है मतलब इसका मेन चीज़ इसका मार्केटिंग है ठीक है, मार्केटिंग आप कहाँ तक कर पाते हैं, आप कितना सक्षम है मार्केटिंग करने के लिए, अंडा हो या इसको गोश्त के पर्पज से, मांस पर्पज से, मीट पर्पज से जी इसको मतलब कीजिए, तो मीट पर्पज से अगर आप अच्छा मार्केटिंग नहीं कीजिएगा तो आप होलसेलर के इसे बेचिएगा तो आपको प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा फिर उसमें ही प्रॉफिट है, बहुत कम है बहुत कम ठीक है। सेल्फ मार्केटिंग कीजिएगा आप अच्छा प्रॉफिट है,
अंडे का भी वही खेल है। आप मार्केटिंग अगर अच्छे से नहीं कीजिएगा तो आपका अंडा 8 रुपये 9 रुपये जाएगा जी। मार्केटिंग कीजिएगा तो हैचरी वाले लोग भी आपसे 12 रुपये 13 रुपये 15 रुपये तक अंडा उठाएंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारा ऑप्शन भी है, रिलायंस स्मार्ट है, ग्रोसरी है, बहुत सी इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट पर तक सब चीज़ मिल जाता है। इसमें बिग बाज़ार जो था अभी खुला है, बिग बाज़ार जो था मॉल, इसमें भी अपने साइड में कोई है जो मोतियारी में है, सिरोही में है, आपके नज़दीक में जो इधर अपने जिला में भी है, हर जगह आसपास में खुला, इसमें भी ये सब दिखता है। ओके। और अच्छा उसमें डिमांड है, आप कांटेक्ट कीजिए, वहाँ वहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नज़दीकी फार्मर होंगे वो कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे अपना, जैसे नज़दीकी कोई मॉल हो गया, नज़दीकी कोई मार्केट हो गया जहाँ पे ग्रोसरी का सारा सामान मिल रहा है, खुद जाकर मार्केटिंग कीजिए। तो वहाँ पे बिचौलियों को मत फंसाइए जी, बिचौलियों को लाइएगा तो आपका 2 रुपया 1 रुपया अंडा पे वो खा जाएगा, खा जाएंगे और आपका मुनाफा वही लेके चले जाएंगे, तो आपको मुनाफा होगा नहीं। इस वजह से अभी हम मैक्सिमम टाइम इस पर दे करके मार्केटिंग कर रहे हैं जी। एक बार मार्केटिंग में जम जाएगा तो ये आज 1,000 का है, 2,000 का फार्म, कल हो सकता है 10,000 का फार्म हम बना लें, ठीक है। मार्केटिंग के लिए ही अभी शुरुआत में हम कम 2,000 बढ़ डाले थे। ओके ओके। मार्केटिंग अगर मेरा सब चीज़ सही रहा और मतलब राइज कर जाएगा तो और बढ़ डलाएगा। ओके ओके। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा, सर ने जैसा कि जानकारी दिया और हमारा जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर भी इंजीनियर हैं और लगभग ये पार्ट टाइम में मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो आपके करने के ऊपर है। इनका भी पैसनेटेड है, थोड़ा सा इंटरेस्ट था देसी मुर्गी पालन में, तो ये मुर्गी पालन कर रहे हैं और एक अच्छा खासा अभी भी प्रॉफिट बन रहा है, आगे भी इनका और भी प्रॉफिट बनता जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।